Assalamualaikum. 9th class subject chemistry. Today my topic is Crookes tube experiment. बात इसका भी आप इलेक्ट्रॉन या previous lecture में बताएंगे इसका भी आप इलेक्ट्रॉन के बारे में जो तो डिस्चार्ज टू एक्सपेरिमेंट जो असम परफॉर्म कर जे जे थॉम्पसन इन 1879 में अकाल क्रोक्स ट्यूब यानी क्रोक्स ट्यूब के जरिए बर्गर क्रोक्स ट्यूब के जरिए इन इलेक्ट्रॉन के की डिस्कवर कर सब का पेड़ पे एक्सपेरिमेंट कर विलियम क्रोक कर बाद में इन एक्सपेरिमेंट के एक्सटेंशन एक्सटेंड कें जे जे थॉम्पसन इन 1897 सो जेके भी प्रॉपर जेके भी असांखे कैथोड रेज मिला उन्हनि कैथोड रेज जे बारे में असां पढ़ंदासीं त उन्हनि कैथोड रेज जूं ख़ासियतूं कहिड़ियूं प्रॉपर्टीज़ कहिड़ियूं थोरो सो ओवरव्यू आहे निक्रोक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जे बारे में थोरो मां तव्हांखे ओवरव्यू ॾेई छॾियां त हीउ डिस्चार्ज ट्यूब आहे हाणे हिन डिस्चार्ज ट्यूब में हे जेको आहे डिस्चार्ज ट्यूब चालू ठहियल हूंदो शीशे में ठहियल हूंदो इन में पहिरीं खे इलेक्ट्रोड्स सील थियल हूंदा हाणे जेके इलेक्ट्रोड्स छा हूंदा आहिनि इलेक्ट्रोड्स हूंदा आहिनि दीज आर मेड अप ऑफ मेटल प्लेट्स धातू जा ठहियल हूंदा हाणे इन जो कमु छा आहे टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरी टू अ सॉल्यूशन यानी जेकॾहिं कंहिं बि इलेक्ट्रोड्स कंहिं बि सॉल्यूशन में ठहियल हूंदा हाणे इन्हनि इलेक्ट्रोड्स जो कमु छा आहे बाय द वे बाय वायर्स वायर्स जे ज़रिए जेके इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट थियल हूंदा बैटरीअ सां उनजो कमु छा आहे इलेक्ट्रोड्स जो सिर्फ़ु कंडक्ट करणु इलेक्ट्रिक करंट खे इन सॉल्यूशन में जंहिं सॉल्यूशन में इहे इलेक्ट्रोड्स ॾिठल हूंदा ठीकु आहे हाणे हिते को सॉल्यूशन न आहे हिते छा आहे सिर्फ़ु शीशे ठहियल ट्यूब आहे हाणे इन में ॿ जेके इलेक्ट्रोड्स सील थियल आहिनि हाणे इन्हनि इलेक्ट्रोड्स खे असां इन वायर जे ज़रिए हाई वोल्टेज बैटरी जे सां कनेक्ट कंदासीं हाणे जेको बैटरी जेको पॉज़िटिव टर्मिनल आहे जंहिं बि इलेक्ट्रोड सां कनेक्ट थियल आहे त असां उनखे छा ॾींदासीं इहो वर्क कंदो लेज़र हे नॉन इलेक्ट्रोड आहे त डिस्चार्ज ट्यूब ऐं जेको नेगेटिव टर्मिनल आहे जेको इलेक्ट्रोड बैटरी जे नेगेटिव टर्मिनल सां कनेक्ट थियल आहे असां उनखे छा ॾींदासीं लेज़र कैथोड इलेक्ट्रोड जंहिंखे नेगेटिव चार्ज हूंदी एनोड ते कहिड़ी चार्ज हूंदी आहे पॉज़िटिव चार्ज हूंदी आहे हाणे जे करे असां ॾिसूं त हिन डिस्चार्ज ट्यूब में का बि जेका गैस आहे उहा किथियल आहे हाणे जॾहिं बिना हाणे हिते जेको ही जेकी शइ आहे चवंदासीं वैक्यूम पंप छा वैक्यूम पंप यानी उहो पंप विच इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस यानी उहो जेको पंप हूंदो असां इन डिस्चार्ज ट्यूब मां गैस जे दाब खे घटि करण लाइ यूस कंदासीं ऐं प्रेशर छा आहे प्रेशर प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया सही आहे हाणे असांखे ख़बर आहे जॾहिं असां इलेक्ट्रिसिटी पास करे ईंदासीं बिना इन गैस जे प्रेशर खे घटि कंदे त छा थींदो त वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट कंहिं नॉन पास थियो गैस या इलेक्ट्रिक करंट गैस मां पास नथो थी सघे सही आहे हिन जो व्यू मां तव्हांखे ॾिसी वियो बाद में वरी शइ जेकॾहिं असां ॾिसूं जीअं असां हिन जो प्रेशर घटाईंदासीं माना घटाईंदा ईंदासीं मींदे ज़ीरो पाईंदे ज़ीरो वन टार प्रेशर जेकॾहिं असां हिन जो वठाईंदासीं यानी हिन जो जेको टार आहे इहो प्रेशर यूनिट आहे 0.01 ते जीअं असां हिनखे इलेक्ट्रिसिटी ॾींदासीं यानी बैटरी जो जेको करंट आहे उहो केतिरो हूंदो आहे अबाउट 5000 to 10000 वोल्ट्स ठीकु आहे हाणे जीअं असां हिनखे करंट ॾींदासीं पहिरीं हुनखे हिन जो जेको प्रेशर आहे केतिरो करिणो आहे 0.1 star हाणे 0.1 star में छा थींदो जीअं हाई वोल्टेज करंट मिलंदो त पोटेंशियल डिफरेंस थींदी केतिरो इलेक्ट्रोड ते हाई थींदो त जेके बि केतिरो मां इन विधि में जेके रेडिएशन्स हूंदा इन विधि में रेडिएशन जीअं ई एनोड वारे तरफ़ वेंदा त हे जेको आहे एनोड ऐं
रोशन थी मतलब ठीक है यानी नहीं चाहता सी द ओरिजिनल ग्लो विल बी अपीयर ठीक है वन जने साइन ऑफ प्रेशर गैस हो अन्ना 0.1 0.01 अन्ना घटाई ला से तो शा थी नो लेके हे जो ओरिजिनल ग्लो को अपीयर थे वो डिसअपीयर थे मतलब गुम थी नो सही है बाकी जो हे जो सरो डिस्चार्ज ट्यूब आ शीशे डिस्चार्ज ट्यूब आ वो छा थी नो माना ऊंधाओ थी रात रात थी वरी जगह असा इन जो प्रेशर 0.01 अना घटा से तो शा थी नो? वरी सागो ही असा उनके हाई वोल्टेज बैटरी को करण दिंदा से त जेके भी रेडिएशन केथो मां निकरंदा हाँ जेके भी रेडिएशन केथो मां निकरंदा साइंटिस्ट चवन था ये जेके रेडिएशन इन चवंदा सी कैथोड रे इन चवंदा सी कैथोड कैथोड रेस माने ये सिर्फ असल में रेडिएशन कैथोड मान के अंदर इनके साथ कैथोड रेस चलना सी जिनके सीधी लाइन में सफर करे एनोड वाले जो शेडो आ एनोड वाले जो शेडो आ कैथोड जो उन सा जने ही जी स्ट्राइक करना तो उन में एकरी किस्म दी ब्लूश कलर में चमकदार रोशनी पैदा थी दी जिनके असर चवना फ्लोरेसेंस ठीक है यानी कि चमकाड़न कर दी मान जी मिसाल तौर खेवण होंगी ठीक है जी खेवण माना एक जगह चुमकी वाली बंद थी अड़े तरीके की अड़े की सूरत की मिसाल तौर जैसे अस चमका पैदा थी जैसे अस चवंदा फ्लोरेसेंस यानी जैसे इन गैस जो प्रेशर 0.01 अस बचींदा तो जी ये कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में अची कर एनोड वाले इन डिस्चार्ज यानी एनोड वाले शेड से जी टकराइंदा तो उन किस्म की ब्लूश कलर में रोशनी दिखा पी हाँ शादी जाहिर ही ना तो इन ब्लूश कलर में रोशनी पैदा थे या ग्रीनिश कलर में ग्रीनिश कलर में भी रोशनी पैदा थी सके थी यानी फ्लोरेसेंस जो कलर थी ग्रीनिश भी थी सके तो एंड ब्लूश भी कलर थी सके हाँ यो इन डिस्चार्ज ट्यूब की कंपोजिशन में डिपेंड करे तो यानी डिस्चार्ज ट्यूब जड़ी भी कंपोजिशन जो होंगे उन शीशो जड़ी भी कंपोजिशन जो होंगे तो उन हाँ इन डिस्चार्ज ट्यूब में ओड़े किस्म की ओड़े कलर की रोशनी पैदा थे ठीक है हाँ जी कैथोड रेज हाँ कैथोड रेज हाँ इन चाहूँ था कैथोड रेस के जो साइंटिस्ट नाल दिनो तो कैथोड रेस आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है शादी कर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जैसे इन डिस्चार्ज ट्यूब जो चौधरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रखी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जैसे इन डिस्चार्ज ट्यूब जो चौधरी रखना से तो शादी को जैसे मिसाल जी जेके कैथोड रेस हैं वे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट मुड़ी दिता पॉजिटिव स्विच प्लेट में मुड़ी कर शेव सा वही स्ट्राइक करा ठीक है तो शा थी इन इन यो कंक्लूजन लगाओ तो जेके कैथोड रेस हैं असल में काटू चार्ज वाला ज्यादा हुआ तेज कर ये इन डिस्चार्ज ट्यूब के चौधारी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड उनके पॉजिटिव प्लेट में मुड़ी कर टकरार फ्लोरेसेंस पैदा थे ठीक है हाँ इन वी नो दैट अनलाइक चार्जेस अटैक ईच अदर सही है मतलब इतने पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फील्ड जी पॉजिटिव प्लेट का उनसे ही चार्जेस हैं कैथोड रेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हुआ तेज तरह ही तो प्लेट की पॉजिटिव टर्मिनल का अटैक करेगा सही है हाँ शादी को जेके भी कैथोड रेस हैं वे इंडिपेंडेंट हैं शादी इंडिपेंडेंट हैं इन गैस विच गैस इज प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड टाइप ऑफ कैथोड यानी कैथोड कड़े भी किस्म के हुए या गैस कड़े भी किस्म की डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद हुए तो जेके भी
जेके भी थे जेके कैथोड रेस हुंदा उनकी जेकी चार्ज हुंदी नेगेटिव चार्ज हुंदी उनके नालो स्टोई जो साइंटिस्ट हो इनके इनके नालो निशान इलेक्ट्रॉन ठीक है। हाँ प्रॉपर्टीज हैं दे कास्ट शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन दियर पाथ टुवर्ड्स द एनोड सही है। हाँ इनकी जेकी पहली प्रॉपर्टी है माना जने कैथोड रेस सिस्टम यानी कैथोड रेस दिशा हूँ जने को भी ओपाक ऑब्जेक्ट माना गैर शफाफ जिस्म जने सामू थी तो वे उसे शादा कर दे कास्ट शेडो यानी उन जो पार्शो एनोड डिवाइड कर खाए था यानी जैसे टार्च हुई टार्च जो अस बारे उन सामू को ओपाक ऑब्जेक्ट अस रखी छो जी टार्च की जो रोशनी ओपाक ऑब्जेक्ट से लगनी तो उनको जो पार्शो आने बैकसाइड ठो तो अड़े तरीके से जैसे भी कैथोड रेज ट्रेविल कदा तो उनके सामू का भी गैर शफाफ जिस्म अची वो उनको पार्शो एनोड वाटर खाइंदा। हाँ इनको मकसद इनको मतलब यो थो दी कैथोड रेज ट्रेविल स्ट्रेस माना स्थिति लाइन में सफर कहता प्रूफ थो। हाँ विषय दे कास लाइट ट्रेविल वील टू रोटेट माना जैसे इन कैथोड रेज के सामू को भी हल्को व्हील यानी हल्की फिरनी रखी वही हाँ उसे जी ही उन टकराइंदा वह हल्की फिरनी फिरन शुरू कर मतलब तो ये जो कैथोड रेज है मटीरियल पार्टिकल्स हैं यानी हेयर हेयर मास एंड वॉल्यूम यानी उनके पास मास भी वॉल्यूम भी यानी उनके पास मोमेंटम मतलब तो जैसे उसे कें हल्की फिरनी के मत पास कराया वजन तो उतना हल्की फिरनी के रोटेट कराइंदा मतलब तो हेयर मकैनिकल प्रेशर सही है। दीज रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन द वॉल्स ऑफ ट्यूब यानी जैसे ये कैथोड रेज जी स्ट्रेट लाइन में एनोड वाले तरफ से टकराएगा तो उन्होंने फ्लोरेसेंस दिला दी थी ठीक है। दीज दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव फील्ड इन नेगेटिव नेगेटिव फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी जेके भी जने इन डिस्चार्ज जोदारी या मिसाल तौर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट आ जे पेरिन इन 1895 जे पेरिन साइंटिस्ट जो हो 1850 में इन एक्सपेरिमेंट कर हाँ इन एक्सपेरिमेंट क्यों कर इन डिस्चार्ज उनके चौधारी मैग्नेटिक फील्ड रखी यानी हेठा जी है ना पॉजिटिव प्लेट रखी मतों जी है ना नेगेटिव प्लेट रखी ठीक है। हाँ फ्रांसिस शुरू करें जी हाइपोथेसिस करने मिलो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा थो इलेक्ट्रो कैथोड में एनोड में कैथोड रेस जी पास थे जी कैथोड रेस इन कैथोड मानता इमर्ज किया डिफ्लेक्ट थी इन पॉजिटिव प्लेट के पॉजिटिव प्लेट से डिफ्लेक्ट थी कर एनोड वाले शेयर के साथ कराया दिया सही है। वरी जगह इन उनके नेगेटिव फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के हटाओ तो वरी कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन सफर कर सही है। हाँ भी वो साइंटिस्ट हो जे डी थॉमसन हाँ ही उन्हें एक्सपेरिमेंट करो गया इन 1897 में क्या एक्सपेरिमेंट कही उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के जाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड रखी उन्होंने थे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव प्लेट आन डिस्चार्ज मत नेगेटिव फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वह डिस्चार्ज प्लेट रखी छो वरी सारा जो कैथोड रेज पास कराई वह इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट ना मुड़ी कर डिस्चार्ज से टकरा दी तो इन यो अंदाजो लगाया दीज कैथोड रेज हेयर नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज यानी इनके नेगेटिव चार्ज आते हैं करे तो वे मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉजिटिव फील्ड आउड़ी का ठीक है। बाद में जो साइंटिस्ट स्टोनी है दीज नेगेटिव चार्ज कॉल इलेक्ट्रॉन यानी स्टोनी बाद में जो साइंटिस्ट हो उन्होंने इन कैथोड रेज़ के
नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम रखे इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है। दी चार्ज यानी ई अपान एम, ई अपान एम यानी चार्ज बाय मास रेशियो, हाँ कि चार्ज आजाद कहीं मास के साम एम सजा कहीं हाँ चार्ज चार्ज जो एक वो ग्रास मास जो एक सॉरी चार्ज जो जो एक कॉलम हों मास यूनिट आ फंडामेंटल यानी इलेक्ट्रॉन आ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम यानी सभी का भी गैस होती तो उन चार्ज मास रेशियो सेम हो इनका मतलब चाहे तो सभी मादे वाली शय में इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम सो दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर ऑफ हे काइंड ऑफ एनर्जी सही है माना मकान पे प्रेशर जड़े भी हल्के फील्ड के साथ मतलब मकैनिकल प्रेशर माना हल्की में हेल्प करेगी।